नमस्कार प्रिय साथियों, मैं गंगाराम और आज की वीडियो में मैं आपको घर में गरीबी आने के दरिद्रता के तीन बड़े कारण बताऊंगा। मानव जीवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट देव शक्तियों से, अदृश्य शक्तियों से संबंधित है। हमारे व्यवहार का, हमारे आचरण का सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। साथियों, तीन ऐसे बड़े कारण जो गलतियां जाने अनजाने हमसे हो जाती हैं और हमारे व्यापारिक जीवन पर सीधा फर्क पड़ता है। जानकारी शास्त्रों से ली गई है। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। पहला कारण, त्यौहार में कलेश करना। प्रत्येक तिथि में उससे संबंधित देवता का वास होता है। होली है, दीपावली है, कृष्ण जन्माष्टमी है या कोई भी बड़ा त्यौहार है जो हमारे ऋषियों मुनियों ने निर्धारित किया है, शास्त्रों के द्वारा वेरीफाइव है, कलेश कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन त्यौहार में बिल्कुल शांत रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और जिस देवता से संबंधित पर्व है उसकी साधना उपासना में समय बिताना चाहिए। त्यौहार में यदि घर में कलेश होता है तो वह आपके व्यापारिक जीवन को, आपके स्वास्थ्य को भारी पड़ सकता है। नंबर दो, अतिथि के साथ भेदभाव करना। बहुत सारे परिवारों में संपन्नता होते हुए भी संकुचित बुद्धि के कारण अतिथि के साथ खान पान से लेकर तमाम तरह की चीज़ों में भेदभाव देखा गया है। साथियों, कभी भी अतिथि के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अतिथि का मान सम्मान भोजन से, वस्त्र से, जैसे भी बन पड़े, अपनी जान से ज़्यादा बढ़कर करना चाहिए। इससे देवी देवता और अदृश्य शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं और इसका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अतिथि के साथ भेदभाव करने से देवता नाराज होते हैं और यह बहुत गलत माना जाता है। नंबर तीन, अपने कुल देवता की अवहेलना करना। प्रिय साथियों, समय समय पर उचित तिथियों में या उचित समय पर आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन है, विवाह है, जो भी है, तो आपके जो कुल देवता हैं उनका मान सम्मान, पूजन, उनको याद करना, जो भी आपके कुल खानदान की परंपरा है उसके अनुसार अपने कुल देवता को अवश्य याद करना चाहिए। समय समय पर जब भी उनकी ज़रूरत है, कुल देवता की अवहेलना करने पर, उनको भूल जाने पर भी घर में दरिद्रता और नाना प्रकार की समस्याओं का वास हो सकता है। यह जानकारी मैंने आपको दी, शास्त्रों के द्वारा वेरीफाई है। कामना करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।